जैसे हमने कल टीम अनाउंस की थी तो उस सिलसिले में कुछ ना कुछ सवाल आपके जहन में भी होंगे। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि क्योंकि अगर आपको पता ही है कि तीन बड़े मेगा इवेंट्स जो हैं नेक्स्ट वन ईयर में होने वाले हैं। एशिया कप से स्टार्ट होगा जो कि वनडे का इवेंट है, फिर वर्ल्ड कप है वो भी वनडे है, एंड देन आपका वर्ल्ड कप T20 का है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने जो है एक स्क्वाड डेवलप करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं कर सकते। T20 की हद तक तो मे बी आप कह सकते कि हम कर सकते हैं, लेकिन वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा मुश्किल है कि हम बहुत ज़्यादा चेंजेस करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 8 वनडे मैचेस हैं। 5 ये मैचेस होंगे, 3 जो हैं वो अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे मैचेस होंगे, और उसमें हमने अपना वो कॉम्बिनेशन बनाना है और उसको लेकर चलना है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो टीमें अनाउंस की थी वो आपके सामने है। अगर आपने कोई भी सवाल करने हैं उस सिलसिले में, आई थिंक इट वुड बी बेटर कि हम स्पेसिफिक रहें टीम सिलेक्शन के ऊपर, तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग जो भी सवाल करना चाहें करें प्लीज। सो सुहेल भाई, यूसुफ भाई एंड देन अर्सलान। सर हारिस से सुहेल के अगर बात करें, मामूली सी कारकर्दगी पाकिस्तान कप में न्यूजीलैंड के साथ तीन वनडे में वापस आते हैं, फिर 10 32 और 22 सेंचुरी बनाते हैं वो न्यूजीलैंड के साथ तीन वनडे मैचों में। तो जिस तरह आपने जिक्र किया कि एशिया कप और वर्ल्ड कप इस साल है, तो आपके कम्बिनेशन में रेस्क्यू मिडल ऑर्डर को करने के लिए सुहेल हारिस देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये ज़रूर इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि अभी हार्डली हमारी ये पहली सिलेक्शन थी जो हमने T20 की थी जो कि अफगानिस्तान गई। सो हमें तो अभी इतना टाइम भी नहीं मिला कि हम सारी चीज़ों को इतना वो करें। जहाँ तक आपने हारिस सुहेल की बात की, देखिए हारिस सुहेल मेरे अपने नज़दीक बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। अगर आपको सिचुएशन देखनी हो, ये देखते हैं कि आप कहाँ जाके खेलेंगे अपने नेक्स्ट टूर्नामेंट्स, और वो आप खेल रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में जो स्पिनर्स को जितना अच्छा वो खेलते हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मिडल में आके। हमने ये इसीलिए ये कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास जितने भी ऐसे मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनको हम ज़रूर मौका दें। सो यही वो चीज़ रखते हुए, क्योंकि पिछले स्क्वाड में भी अगर आपको याद होगा कि हारिस सुहेल था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हारिस सुहेल को लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह उसकी अगर फिटनेस और उसकी फॉर्म अगर वापस आती है तो प्रॉब्ली मिडल ऑर्डर को बहुत सहारा मिलेगा इसमें। इसमें तो दो चीज़ें मैं ये कर दूं कि हम पूरी तरह बाबर आजम के साथ हमारी जो है 2-3 मीटिंग्स इस सिलसिले में हुई थी, और हमने बाबर, क्योंकि कैप्टन अभी तक हमारा जो कोचिंग स्टाफ का जो सिलसिला है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो मे बी एक आध हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो सेटल हो जाएगा। ऑब्वियसली उसको चेयरमैन खुद देख रहे हैं, तो मेरे अपने नज़दीक विद इन अ वीक आपको बहुत सारी चीज़ें ये सामने आ जाएंगी। लेकिन इस वक्त क्योंकि बाबर हमारा मेन कैप्टन है और उसको सामने रखते हुए हमने उसकी पूरी मशावरत उसके साथ की है, और ये जो भी हमने टीम बनाई है इसमें पूरा कंसेंसस है, और किसी किस्म की कोई भी इसमें किसी की तरफ से कोई इख्तलाफी नोट आया हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो, हर चीज़ के ऊपर प्लेयर्स को सामने रखते हुए डिस्कस किया कैप्टन के साथ और उन्होंने उसके ऊपर अग्री किया। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें आप लोग को अपने जहन में रखनी चाहिए कि हम जब भी किसी नए प्लेयर को इंडक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करके ही आया हुआ होता है, और हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देनी होती हैं। आज़म को हमने मौका दिया, माशाल्लाह वो अच्छा प्लेयर है, अच्छे रन्स भी किए उसने। अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि थोड़ा सा स्ट्रगल किया वो ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ स्पिन हो रहा था, वहाँ उसकी विकेट कीपिंग के ऊपर भी हुआ, और एज ए प्लेयर मैं ये फील करता हूँ कि उसको खुद भी बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे प्लेयर जो नहीं, आपने अब्दुल्ला शफीक का भी जिक्र किया था अभी सुहेल ने, इनको खुद पता होना चाहिए कि यू नो हमारी क्या क्या जो खामियां हैं हम उसको किस तरह दूर करके वापस आ सकते हैं। दुनिया भर में आप देखेंगे कि कमबैक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर एक कोई प्लेयर टीम से बाहर हो गया तो हमेशा के लिए बाहर हो गया। जो चीज़ें नज़र आई कमज़ोरियाँ, तो उसको तो उस प्लेयर ने ही ज़्यादा इम्प्रूव करके दोबारा हमें ये बताना है कि नहीं मैं अभी वापस दोबारा टीम में आने के काबिल हूँ। जब भी कोई प्लेयर ड्रॉप होता है तो कोई ये ना समझे कि वो फॉर एवर हो गया, वो वापसी के चांसेस उसके हमेशा रहेंगे। जहाँ तक ये है, क्योंकि
ट्वेंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपके पास ऑलरेडी रिजवान और हारिस की शेप में दो बड़े अच्छे विकेटकीपर बैट्समैन मौजूद हैं। हमारी पाइपलाइन में आज़म खान साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि उनको किस तरीके से कहां पर उनको ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो उनको करनी चाहिए ताकि आगे वो कंटेंशन में फिर आ जाएँ। हाँ, ओपनर्स का ज़्यादा कहते हैं, दुनिया भर में भी आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। आप देखें मैक्सवेल ओपन करता है, कभी ग्रीन ओपन करता है ऑस्ट्रेलिया से, कभी कोई और करता है, क्योंकि जो T20 की क्रिकेट है, जो शॉर्टर वर्जन है ना, वो अब एक फ्लोटिंग बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नज़र आ रहा है कि हर बंदे को हर जगह पे बैटिंग करने की वो होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 20 ओवर्स के 120 बॉल्स अगर नो बॉल और वाइड्स में तो थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। सो उसी के अंदर रखते हुए वो जो चंक है 20-20 बॉलों के, 25-25 बॉल होंगे या 15-15 बॉल होंगे, उसमें नंबर ऑफ रन आपने स्ट्राइक रेट को बढ़ा के किस तरीके से करना है। सो वो हर वो प्लेयर, क्योंकि मिडल ऑर्डर का तो कोई कॉन्सेप्ट अब मैं ही फील करता हूँ कि T20 क्रिकेट में तो रहा ही नहीं, आपका हर प्लेयर जो है आके उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है तो वो ऊपर भी रन्स कर सकता है, नीचे भी रन्स कर सकता है। तो ये चीज़ तो हम फिर ऑब्वियसली जो टीम मैनेजमेंट है वो उसको किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं ये वो देखेंगे। एग्जैक्टली, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हम जो कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी से ही हमारा वो स्क्वाड इतना मजबूत हमारे पास हो जाए और 2 से 3 हमारे पास बैकअप्स पीछे मौजूद हों तो वो हम उनको साथ लेकर चलें, क्योंकि सिर्फ 5 ये T20 के ODI के जो मैचेज़ हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड और उसके बाद 3 अफगानिस्तान, हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम किस तरीके से, क्योंकि अगर आप पिछले 1.5 साल में भी देखेंगे तो पाकिस्तानी टीम ने बहुत ज़्यादा वनडे मैचेज़ नहीं खेले हुए, और इसी तरह अगर आप टीम जो हालांकि आप सब कहते हैं कि बड़ी एक्सपीरियंस टीम है, अगर आप उसको भी गौर से देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो है 50 से कम वन डेज खेले हुए हैं। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और उसकी बात कर रहे हैं एक्सपोजर की, वो भी हमारे तमाम सीनियर प्लेयर्स को भी इतना नहीं है, दो चार के अलावा बाकी सारे जो हैं वो अभी अपनी जगह बना रहे हैं वनडे में। हम क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस को सामने रखते हुए देख रहे हैं, इमाद की आपने जिक्र किया, इमाद पिछले 2.5 साल से वनडे क्रिकेट नहीं खेला, सो हम उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हम उसकी सारी चीज़ों को देखेंगे फिर हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ उसको हम फिट इन कर सकते हैं, अपनी फिटनेस को अगर इम्प्रूव करके, और वो 50 ओवर्स में 10 ओवर करने पड़ेंगे और 50 ओवर फील्डिंग करनी पड़ेगी, वेयर एज अगर आप देखेंगे वो पिछले 1.5-2 साल से सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहा है 20 ओवर की। सो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी किस तरीके से हम प्लेयर्स को लेकर चलेंगे। सर, इंग्लैंड के खिलाफ आमिर जमाल को मौका दिया गया और उसके बाद PSL में भी उन्होंने परफॉर्म किया, अभी ये रमज़ान कप भी हुआ उसमें भी उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की, क्या आप देखते हैं कि आमिर जमाल जैसे ऑलराउंडर को होना चाहिए था टीम में, या अभी उनको आप ग्रुप में रखा हुआ है और उन्हें नेक्स्ट सीरीज में जो है वो मौका देंगे? देखिए, हम जो है ना एक थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे हैं, अगर आपने देखा होगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ए टीम के टूर्स मिलें, हमें अंडर 19 के टूर्स मिले। अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे कि अंडर 19 की टीम जो है वो नेक्स्ट इस महीने के आखिर में बांग्लादेश जा रही है और ए टीम जो है वो जिम्बाब्वे जा रही है, आमिर जमाल ए टीम का पार्ट है। सो हम ये फील करते हैं कि हमारा जो क्रिकेटर है ना वो स्ट्रेट अवे डोमेस्टिक क्रिकेट से उठ के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, जिसमें हमारा अच्छा खासा बड़ा गैप है। सो हम कोशिश करेंगे कि इनको निचले लेवल के ऊपर, ए लेवल्स के ऊपर, यानी शाहीन के जो टूर्स हैं वो हम ज़्यादा करवाएं, अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं उनको हम एक्सपोजर दिलवाएं बाहर का। सो जब वो वहाँ से अगर वो ग्रूम होकर आएंगे, वहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। सो ये सारे जितने प्लेयर्स आपने नाम लिए, आमिर जमाल, ये हमारे उस लूप में मौजूद हैं जो हमने 25 से 30 या 30 से 35 का जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है प्लेयर्स का, उसमें ये सारे प्लेयर्स हैं जो इस वक्त आप देख रहे होंगे ए टीम में भी जा रहे हैं, उसमें आप देख रहे होंगे चंद प्रोमिनेंट नाम है जो जा रहे हैं वहाँ पर, तो उनको कम बैक करने का मौका मिलेगा। क्योंकि हमारे जहन में जो इस वक्त T20 और वनडे का जहन में था, तो हमने कुछ ऐसे प्लेयर्स को इसलिए रोका कि उनकी शायद यहाँ ज़रूरत पड़ जाएगी, उनको हमने ए टीम के साथ नहीं भेजा। सो ये सिलसिला जो है, प्रोसेस ये आइंदा भी ऐसे चलता रहेगा। हारून भाई, दो सवाल थे, पहला ये है कि शादाब खान को रेस्ट क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि ये मीडिया में खबरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के जराए से चलवा के, तो ये बताइएगा कि वाकई उम्र के बाद बाबर ने जिद की है और शादाब को वो खिला रहे हैं। दूसरा सवाल ये था कि आपने 3-4 दफ़ा कहा है कि जिस सब कंटिनेंट की कंडीशन को देख के सुहेल साहब के सवाल में कि हारिस सुहेल को खिलाया जा रहा है, तो आज़म खान ने भी पिंडी में स्कोर किया हुआ था, लाहौर में स्कोर किया हुआ था और कराची में स्कोर किया हुआ था, एक तरफ मामूली कारकर्दगी वाला हारिस सुहेल आ जाता है और दूसरी उसी सब कॉन्टिनेंट में स्कोर करने वाला आज़म खान, तो ये जो फैसले हैं, क्या आज़म को पहले अफगानिस्तान सीरीज में सिलेक्ट करना गलती थी जिसका अब अजाला किया जा रहा है? ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो है कि आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो हारिस सुहेल का आज़म के साथ,
आजम इज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन, वेयर हारिस सोहेल इज़ अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, प्योरली या बैट्समैन, सो इसलिए इनका तो मैच नहीं होता। दूसरा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि पास प्लेयर्स को हमें मौका दे के देखना होता है कि उसके पास कितनी सलाहियत है और कितना आगे जा सकता है। ड्रॉप करने का मतलब ये होता है कि वो जाके अपनी उन खामी को पूरा करे और वापस लेकर आए। जहाँ तक आपने कप्तानी की बात की, मैं तो हैरान इस बात पर होता हूँ कि आप उनके साथ नहीं शादाब को रेस्ट देने की बात इसलिए शादाब तो ऑलरेडी बहुत कम क्रिकेट खेला है पीछे, अगर आप देखें उसकी इंजरीज के प्रॉब्लम रहे हैं, वो कई उसने ऐसे प्लेयर्स को जिनको कम क्रिकेट मिली हुई है उनको तो मौका देना ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को इन पांच मैचेस में या ये जो पांच T20 के मैचेस हैं उसके बाद फिर हमारा अफगानिस्तान की सीरीज, देन वर्ल्ड कप, एशिया कप एंड वर्ल्ड कप है, सो वो सारे सामने रखते हुए इनको हमने इस तरीके से हमने इनको इस्तेमाल करना। आप ये देखेंगे कि किस तरीके से जो बाबर हैं इन प्लेयर्स को इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द सीरीज़, कि किनको उन्होंने किस वक्त मौका देना है, किसको अगर रेस्ट भी कराना है, तो वो सारी टीम मैनेजमेंट को पता है कि हमने आगे लेके जाकर क्या करना है। जहाँ तक आप कप्तानी के इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ आप लोग इतने सब मुझसे मिलते रहते हैं, आज तक कभी बताया कि कभी कप्तानी के ऊपर कभी आप लोगों से कोई डिस्कशन हुई? सो मेरी तो ये समझ नहीं आता कि स्पेकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैशन है, हर कोई एक्सपर्ट है, हर कोई अपनी अपनी टीम बना के इस पर वो मीडिया पे शेयर कर रहा होता है, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा होता है, तो आई थिंक हर एक का अपना अपना स्वाब दीजिए, क्योंकि हम करीब बैठे हुए चीज़ों को देख रहे हैं, वेयर एज आप लोग आउटसाइड यानी जितने भी जो एक्सपर्ट्स बाहर भी बैठे हुए हैं वो बाहर से चीज़ों को देख रहे हैं। सो हमारे पास इन हैंड इन्फॉर्मेशन है, सामने की चीज़ें हमारे सामने पड़ी हुई हैं, उसको सामने रखते हुए हम टीम को सेलेक्ट करते हैं। देखिए ऑब्वियसली आप जब टीम को उतारते हैं तो आप जीतने के लिए टीम को उतारते हैं ना, लेकिन साथ में ये भी रखना होता है कि सामने की टीम भी तो आपसे मुकाबला करने आई है, और ये कहना कि टीम वीक है या मजबूत है, ये मैं इसको इसलिए T20 के उसमें मैं नहीं इतना ज़्यादा इसको रेट करता, क्योंकि T20 में वन गुड इनिंग, वन अच्छा स्पेल, एक अच्छी फील्डिंग आपके पूरे के पूरे मैच का पांसा पलट देती है, चाहे आपके पास ग्रेट प्लेयर्स हों या चाहे आपके पास वीक प्लेयर्स हों। सो मेरे नज़दीक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, पाकिस्तान डेफिनेटली जो हम देख रहे हैं माशाल्लाह पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, अगर हमारे जो भी नया कॉम्बिनेशन बन रहा है T20 का, इसमें अगर कुछ नए लड़के जो हमने एंट्री डाले हैं इसमें अगर वो अपने आप को और मैच्योर कर लेते हैं तो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग यूनिट में नज़र आ रहा है पाकिस्तान T20 में। वनडे में तो देखिए वनडे में तो आपकी टीम अच्छी है, पिछले अगर आप उठा के देखेंगे तो 12 में से तकरीबन 7 मैचेस आपने जीते हुए, सो वनडे में इतना बुरा परफॉर्मेंस आपका नहीं रहा हुआ। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि वनडे में जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम परफॉर्म कर रही है उसी तरीके से करेगी और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आएंगे। देखिए इसमें जो अब ऑब्वियसली ये बहुत प्रीमेच्योर होगा आपसे बात करना, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके ऊपर भी प्लान कर चुके हैं। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि टीम मैनेजमेंट जब अनाउंस हो जाती है, कोचेज जब अनाउंस हो जाते हैं और कैप्टन के साथ मिलके बैठ के हमने एक स्ट्रेटजी बनानी है, वो ये है कि हमारे पास इस वक्त फ्रेंच प्लेयर्स अगर 30 से 40 या 45 प्लेयर्स हमारे पास हैं तो क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, हम सिर्फ 8 मैचेस में कुछ नहीं खेल रहे, तो हम यहाँ सीरीज ऑफ मैचेस पाकिस्तान वर्सेस द रेस्ट उनके साथ हम आपस में मुकाबले करा के हम फिर देखेंगे कि हमारे पास पोटेंशियल या हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ या हमारे पास प्लेयर्स कौन से हैं। सो ये वो चीज़ें जो है हमारी पाइपलाइन में, बाबर से ऑलरेडी मेरी इस पर डिस्कशन हो चुकी है, आई एम जस्ट वेटिंग के कब हमारे जो कोचिंग स्टाफ आता है उसके साथ बैठ के तो इसके ऊपर हम एक कोई लाहे अमल तैयार कर लेंगे एंड देन इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे। लास्ट टू क्वेश्चंस आपका और फिर अरुण भाई, एक तो मैचेस की तादाद बहुत कम है, 8 मैचेस हैं, वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में है, लंबा गैप है, तो क्या समझते हैं कि इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी मुल्क के साथ रابطہ करके इस मैचेस की तादाद को बढ़ाना चाहिए, अगर नहीं होता तो बैटल होता खुदा ना खासा तो उसकी जिम्मेदारी कौन किस पर आएगी? देखिए एक चीज़ तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ हार और जीत को बहुत ही ज़्यादा अहमियत मिलती है, दुनिया भर में जो है हर टीम जो है हारती भी है जीतती भी है, लेकिन वहाँ इतने इश्यूज़ नहीं क्रिएट होते जितने हमारे मुल्क में होते हैं, क्योंकि हमारा शायद माइंडसेट ही कुछ इसी किस्म का है। आप मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी टीम होगी जो मैदान में उतरती है और इस मकसद के लिए ना उतरे कि उसने मैच को जीतना है।
अब हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे सामने जो दूसरी टीम खेल रही है वो भी तो जीतने के लिए आई है ना। सो हमने उन दोनों चीज़ों में बेहतर करना है तो हम जीतेंगे। हमारी फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए, हमारी बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, हमारी बैटिंग होनी चाहिए अपने ओपोनेंट से, तभी तो हम जीतेंगे। अगर ओपोनेंट्स जो हैं, जो हमारी जो टीम में हमारे खिलाफ खेल रही हैं, वो अगर इन तीनों डिपार्टमेंट्स में हमसे अच्छा खेल जाएंगे तो हम नहीं जीत सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमें इसको भी यू नो एजुकेट करना चाहिए। यस, जिम्मेदारी का जो आप बात करें कि यू नो प्रोफेशनलिज्म की, आपने किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, आप मैच को जीतने के लिए कैसे जा रहे हैं, या आप किस तरीके से चाहते हैं कि हम जो है उसको लेके, और टीम की बॉडी लैंग्वेज ऑन द फील्ड आपको नज़र आती है कि यार ये जीतने के लिए खेल रहे हैं। सो ये वो चीज़ें हैं। जैसे आपने जिक्र किया, ऑलरेडी मैं उसका जवाब आपको पहले दे चुका हूँ, क्योंकि देखिए FTPs ऑलरेडी बहुत पहले से तय हो चुके होते हैं, 5-5 साल के आपके टेस्ट मैचेस के, T20 के और वनडे के। सो हर कोई कंट्री कहीं ना कहीं इंगेज होगी, तो इसलिए अब डायरेक्ट हम अगर किसी के साथ कहें कि जी हमारे साथ वो खेल लें तो ये हो नहीं सकता। तो इसीलिए जो हमने जो बैकअप प्लान की जो मैंने बात की कि अगर हम इसी तरह सीरीज़ ऑफ मैचेस अपने मुल्क में जो हमारे अच्छे फ्रेंच प्लेयर्स हैं और जो पाकिस्तान का शॉर्ट स्क्वाड है उनको मिला के खिला दें, तो उसमें से भी हमें अच्छे खासे प्लेयर्स मिल सकते हैं। मैं दूसरे सवाल का आपका जवाब दे देता हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब सिलेक्शन कमेटी किसी को क्यों कांटेक्ट करेगी यार। आपका डोर ओपन है, हमने पहले दिन आके उधर उन चेयरमैन साहब के साथ भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने कहा था कि हमारे डोर तो सबके लिए ओपन है ना, ये तो उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से खेलते हैं, अपने आप को परफॉर्म करते हैं, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, उसके बाद तो फिर हमने जज करना है। हम किसी को अप्रोच क्यों करेंगे? यू नो आप प्रोफेशनल्स हैं, आप सारी दुनिया की लीग खेलते हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, खेलें वहाँ, एक्सेल करें, एंड देन ऑब्वियसली अपना कंटेंशन अपनी वो बनाएं। पहला सवाल आपका क्या था? अब्बास अफरीदी। देखें वो बहुत टैलेंटेड यंगस्टर है। अब देखें, अब आप भी अगर सामने में, आपके सामने अगर मैं खुद ही आपको सवाल काउंटर क्वेश्चन कर दूँ, आप मुझे बताएं कि आपका इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? आपकी बॉलिंग है। यू हैव गॉट यू नो 5 to 6 टॉप क्लास बॉलर्स, और अब्बास आफरीदी भी उसी में उनको कम्पीट कर रहा है, और जो आपके दूसरे 4 से 5 बॉलर्स हैं वो प्रूवन यू नो हॉर्सेज हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हुई है। तो उसको हम स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि T20 के लिए हमारे पास अभी टाइम है, और अब इसीलिए आपने देखा होगा हमने रिजर्व में रखा हुआ है, और सिलेक्शन कमेटी यानी अगर टीम मैनेजमेंट किसी वक्त देखती है 2 से 3 मैचेस के बाद कि उनको किसी को करना है तो उनके पास वो प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इसीलिए आपने नोट किया होगा हमने हसीब अल्लाह को ए टीम के साथ भेजा है। सो एक पूरा हम ना एक कनेक्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को कि हमें ताकि पता लगता रहे कि प्लेयर्स किस स्टेज पर खड़े हैं, कहाँ उनको किस वक्त इंडक्ट करना है और किस वक्त नहीं करना।